अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग 7:30 और दिन की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती। तो इस गौशाला की शुरुआत करते हैं इसकी एंट्रेंस से। मेरे साथ एक बार बोलिए गौ माता की जय। इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गौ माता के साथ। तो मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हो 2 Extra Miles। वैसे तो आपने बहुत सारे गौशाला देखी होंगी, लेकिन ये गौशाला बहुत ही यूनिक है। तो हम आ गए हैं पंजाब के रामप्रफुल शहर में और आपको दिखाते हैं यहाँ की फेमस गौशाला। तो चलते हैं मेरे साथ विद #2Extra Miles और देखते हैं यहाँ की फेमस गौशाला। तो एंट्रेंस से थोड़ा से अंदर आते ही हमें ये बिल्डिंग दिखाई देती है। ये है यहाँ का ऑफिस और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो इस पूरी गौशाला को मैनेज करती है। ये देखिए, और एंट्रेंस पे आपको मिलेंगी ये कलरफुल बर्ड्स। ये देखिए, ये बहुत ही यूनिक बर्ड्स हैं। और साथ ही में आपको ये छोटी बर्ड्स भी दिखाई देंगी। ये बहुत ही स्पेशल बर्ड्स हैं और ये बाहर सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया है और समर्स में इनके लिए स्पेशली एयर कंडीशन लगाया जाएगा। ये देखिए, और इनका ये घर बनाया हुआ है। ये देखिए गाय, यहाँ की जो मेन खासियत है वो है यहाँ का शेड। आप जनरली देखा होगा कि जो बाकी गौशाला है उनका जो शेड है वो प्रॉपरली पूरे एरिया को कवर नहीं करते, लेकिन ये देखिए यहाँ पे फैंस भी हैं और प्रॉपर शेड भी है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है विंटर्स में और रेन से, और समर्स में ये सभी फैंस चालू हो जाएंगे। ये देखिए, और ये नीचे हमारी गौ माता। तो आप ही बताएं दिन की इससे अच्छी शुरुआत और कहीं पे मिलेगी आपको? साथ में है गाय माता और ये देखिए। ये सभी नॉन मिल्किंग काउज हैं और जो मिल्किंग काउज हैं उनको अलग रखा गया है, तो आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे। तो एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए गाय माता की जय। हम आए थे इस एंट्रेंस से और हमने ये वाला शेड कवर किया और अभी मैं आपको ले चलता हूँ आगे। और इस शेड में है मिल्किंग काउज। ये देखिए, ये सभी के सभी देसी गाय हैं और यहाँ पे जो भी दूध है वो बिल्कुल प्योर दूध मिलता है। ये देखिए, ये सभी मिल्किंग काउज है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ के एक वर्कर से। ये देखिए, ये यहाँ के एक वर्कर। तो पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है रंजीत। रंजीत, रंजीत जी आपका एक्सपीरियंस कैसे है यहाँ पे? एक्सपीरियंस ही मुझको तीन महीने हो गए यहाँ पे लगे हुए। इनको दाना पड़ रहा है जिनसे इसका पेट भर जाए। अच्छा। और ये फिर दूध देंगी। अच्छा। ज़्यादा। अच्छा, तो इनका दूध बढ़ाने के लिए आप इनको दाना खिलाते हैं? हाँ। अच्छा। इसके बाद शाम को इनको पकौड़ी पाएंगे। अच्छा। जिससे ज़्यादा और दूध मिले, फिर इनको अभी छोड़ देंगे हम दाना दूना खवा के। उधर ले नाल में शेड में जाएंगी, उधर जाके फिर 2 बजे बांधेंगे इनको, फिर पानी पुनी पिया के चोन लगेंगे। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक।
अभी हम ट्राई करते हैं यहाँ के मैनेजर से बात करने के लिए और अभी जानते हैं उनका क्या है एक्सपीरियंस। ये है यहाँ के मैनेजर। सर आप पहले आप अपना नाम बताइए। सत्यपाल गर्ग। तो सर आपको यहाँ पे कैसा लगता है आते हुए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा जी लगता कि इतने आके जान जी नहीं करता। इतने जी गौं की संभाल है वह बहुत ज़्यादा वधिया है। डॉक्टर नाल डॉक्टर है, हर एक गऊ का इलाज पूरा होंगे। इतने जी खुराक है बहुत ही ज़्यादा वधिया क्वालिटी की गौं पाई जाती है और गौं सब तंदुरुस्त है, वधिया दुध दिंदी है। दुध की फैंट तकरीबन 5 के करीब आती है। इतने एक गोबर प्लाट है जोड़ा बहुत ही वधिया, सारी गैस इतों साड़ी गऊशाला सप्लाई होंगी है। सीवरेज साडा आपदा पाया वै, ग्राउंड है बकायदा, सारा कुछ है वधिया ए क्लास। इतने जोड़े लोग आते हैं सब खुश होकर जाते हैं। आप लोगों को इस गौशाला के बारे में आप क्या एक मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो यही है, इतने आओ गौशाला की आशीर्वाद लो, तो थोड़ा जो भी कम है सब गौ माता की कृपा नाल पूरा होंगे। और इतने बहुत ही ज़्यादा सफाई है, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये नहीं है भी जोड़ा इतने कोई जी है गऊ है कोई भी है और रात को भुखा नहीं पै सकता, बिल्कुल वधिया तरीके नाल उन्हां दी सेवा हुंदी है। ये नहीं है भी कोई गऊ बीमार है तो उहदा इलाज ना होवे जां उहनूं दवाई ना मिले, पूरा ही कम वधिया है। इत्थों दीआं खुरलियां वगैरह सब देखण वालियां ने। इत्थे इक साडे रोज़ भी रख्या वा विच, जिहड़ा कि एक दिन दा सी, रोज़ नहीं छड़कते छड़के भज गई सी, अज्ज उह 4 साल दी हो गई, रोज़ नहीं, बहुत वधिया। थैंक यू। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, गऊ माता की जय। जय। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1200 कैटल हैं और यहाँ पे आने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक मतलब नेक्स्ट लेवल जो शांति है वो आपको यहाँ पे ज़रूर ज़रूर मिलेगी। तो आप अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे ज़रूर आइए। थोड़ा सा ही वहाँ से आगे आते हुए हम आए हैं इस शेड में और यहाँ पे देखिए ये सभी बच्चों को रखा गया है। ये देखिए बच्चे कैसे देख रहे हैं, जैसे वीडियो बन रही है। ये भी छोटी छोटी गाय माता है, ये देखिए। तो इनका एक अलग शेड रखा गया है। ये है छोटा सा बच्चा 2 दिन का, ये देखिए। और ये है इसकी माता, इसका जन्म कल ही हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है ये। इस गौशाला में मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये है छोटे छोटे बच्चे जो कि ये हरा खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और वर्कर है, हम उनसे भी बात करते हैं। तो पहले बताइए आपका नाम? दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह जी, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और यहाँ पे आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैंने 42 साल हो गए जी, गौशाला ट्रैक्टर चलाने। और यहाँ पे 1980 का ट्रैक्टर चलाना जी। अच्छा, तो 1980 से आप चला रहे हो ट्रैक्टर? हाँ जी। तो यहाँ पे आप मतलब मेनली आप क्या काम करते हो यहाँ पे? काम इतने बहुत वधिया चल रहा है जी, वधिया ठीक है, वधिया सेवा पानी होंगी है, गऊं नूं चंगा दाणा मिलता है, हरा चारा मिलता जी। तो आप ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहते हो, बाकी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? इतने आओ जी सारे जड़े, आके सेवा पानी करो जी आपका, जो सरदा दान पत्र करो जी। हाँ जी ठीक है जी, थैंक यू। प्यारी सी गाय माता, ये देखिए कितनी छोटी सी है। ये है यहाँ का गोबर गैस प्लांट, ये देखिए। तो बहुत कम गौशाला में आपको ये मिलेगा। और साथ ही में ये है काउ डंग, ये एज अ फर्टिलाइजर ये यूज होगी खेतों में, ये देखिए। और साथ ही में ये गोबर गैस प्लांट। इस गौशाला में ये पीछे बैकयार्ड में एक हॉस्पिटल भी है,
यहाँ पे गाय का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये देखिए, जैसे ये गाय बीमार है तो यहाँ पे डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहता है इनका ट्रीटमेंट करने के लिए। अब टाइम आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का। आप जब भी रामपुरा फूल में आए, इस गौशाला में आप एक बार जरूर आना। तो टिल देन, सी यू सून एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम 2 एक्स्ट्रा माइल्स।